वेलकम टू नेहा किचन विथ मी नेहा। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 100 ग्राम पनीर। इसे मैंने इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है। 2 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच बेसन। मैंने बेसन को यहाँ पे पहले से रोस्ट कर लिया है। हमें बेसन को ड्राई रोस्ट करना है। मसालों में हमें चाहिए 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच साबुत जीरा, नमक स्वाद अनुसार। मैंने लिया यहाँ पे कुछ खरे गरम मसाले। इसमें मैंने यहाँ पे 4 लौंग लिए थे, 4 काली मिर्च, 1 छोटी तेज पत्ता, 2 इलायची, थोड़े से दालचीनी, और इसे मैंने क्रश कर लिया है। धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए सरसों का तेल। आइए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम पनीर। उसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे मैरिनेट कर लिया है। तो हमने लिए एक पैन, जो मैंने गरम कर लिया था, उसमें डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। हम तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, हम पहले फ्राई कर लेंगे पनीर को। तो डाल देते हैं इसमें हम पनीर, और गैस का फ्लेम अभी मीडियम रखेंगे हम। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे पनीर को, और इसे हम अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते पनीर के ऊपर एक कोटिंग आ चुकी है, और हम इसे अब निकाल लेंगे। तो हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं, उसे हम निकाल लेते एक प्लेट में। तो मैंने फिर से ले लिया था पैन, उसमें डाल दिया मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। जो पहले से इसमें 1 चम्मच तेल बच चुका था, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सरसों तेल डाल दिया है। अब हम डाल देंगे इसमें खड़े गरम मसाले, और इसे हम कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब डालेंगे साथ में हम इसमें जीरा, इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। अब डाल देंगे इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि जो प्याज है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। प्याज को मैंने थोड़ा भून लिया है, और हम डाल देंगे इसमें मसाले को। तो हम पहले डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट में फ्राई कर लिया था। अब डाल देंगे इसमें हम टमाटर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च का पाउडर। अब डाल देंगे साथ में हम नमक, और नमक थोड़ा ध्यान डालने के हमने पनीर में नमक डाला था, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब डाल देंगे इसमें हम कसूरी मेथी को भी, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हम इस मसाले को ढककर 4 से 5 मिनट तक के लिए पकने देंगे, ताकि जो ये जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। अब डाल देंगे इसमें हम ये बेसन, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने बेसन इसे इसमें डाला है, इसलिए डाला है क्योंकि ये जो हमारी ग्रेवी जो बनेगी वो अच्छी सी गाढ़ी हो जाए, और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगे। तो इसे हमने यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो हमारा जो मसाले अच्छे से भुन चुका है, उसमें तेल भी निकल रहा है, और हम डाल देंगे इसमें ये गरम मसाला पाउडर, इसे मिक्स कर लेते हैं। हमारा मसाला अच्छे से भुन फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कहीं चिपक नहीं रहा है, ये इजीली पैन में मूव हो रहा है। तो हम डाल देंगे इसमें करीब 1/2 कप पानी, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। हम इसे ढककर करीब
एक उबाल आने तक हाई फ्लेम पे पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गई है। हम डाल देंगे इसमें पनीर को। हम ग्रेवी को पनीर साथ ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो हमारा पनीर अब तैयार है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेवी को फिक्स कर सकते हैं। मैं डाल दूंगी यहाँ पे 1 चम्मच घी। घी ऑप्शनल है। घी डालने से हमारा जो सब्जी बना है वो उसका टेस्ट और भी निखर जाएगा और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट रहेगा। डाल देंगे अब इस पे हम धनिया पत्ती और तैयार है हमारा ढाबे स्टाइल पनीर मसाला। आप भी इस डिश पर जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।